जो रूठे ख्वाब तेरे हैं, ज़रूरत है मनाने की। अंधेरा क्या बिगाड़ेगा, ज़रूरत दिया जलाने की। तो खुद ही सार थी खुद का, बना जीवन के रथ पर है। ज़रूरत है पता तुझको, हो सही मंजिल ठिकाने की। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल कलम से दिल तक में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत मज़े में होंगे। शिक्षक दिवस के आज इस मौके पर मैं आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड, अर्थात माँ ही बालक की प्रथम गुरु होती है या प्रथम शिक्षिका होती है, और उसका परिवार ही उसकी प्रथम पाठशाला होता है। तो आज इस खास मौके पर माँ को समर्पित चार पंक्तियाँ आपके समक्ष रखती हूँ कि माता 100 गुरुओं की एक गुरु के समान होती है। माता 100 गुरुओं की एक गुरु के समान होती है, बालक का पूरा जहान होती है। इस विषैली विष भरी दुनिया में माँ ही सिर्फ अमृत के समान होती है। शिक्षा कहीं से भी और किसी से भी मिले, उसको ग्रहण करते चलिए, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव भी है और मैंने लिखा भी है। जो मैंने लिखा है वो आप तक पहुंचाती हूँ। हर एक शब्द गुरु है मेरा, हर एक शब्द गुरु है मेरा। चुन चुन अंतह डाला है, बड़े जतन से पाला इसको मैंने, इन्हें संभाला है। अर्थात जीवन में अगर आप शब्दों की महत्ता जानते हैं तो उसको ग्रहण करने की क्षमता भी जरूर रखिए, क्योंकि जब आप शब्दों की महत्ता को जान लेंगे, उसे ग्रहण कर लेंगे, तो जीवन में कभी भी आपको हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा कहीं से भी मिले, उसको ग्रहण करते चलिए। और चलते चलते बस एक और अपना अनुभव आपके साथ बांटना चाहूँगी कि संतान से श्रेष्ठ कोई मित्र हो नहीं सकता, संतान से श्रेष्ठ कोई मित्र हो नहीं सकता। कल्पना से सुंदर कोई चित्र हो नहीं सकता। लगा ले खुशबुएं कितनी भी कपड़ों पर, लगा ले खुशबुएं कितनी भी कपड़ों पर, चरित्र से ज़्यादा महकता इत्र हो नहीं सकता। विचार के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।